Good morning, students. I'm your English teacher. How are you, students? I hope you will be fine. In our day 3 class, we have talked about words and letters. Now today, in our day 4 class, we will talk about sentence. Okay, today our topic is sentence. Now look at the pictures and arrange the words in proper order. Okay, what is this? Monkey. And what is this? Mango. In this picture, we see monkey A is this. And here is it a mango sweet. Can you understand? No. Students, यहाँ पे words proper order में लिखे हुए नहीं हैं, जिस वजह से हम उनको समझ नहीं पाते हैं. When we arrange them in proper order, these words are not in proper order. When we arrange them in proper order, it makes this is a monkey. Now we can understand that यह है monkey है, बंदर है. And here, then we arrange it is a sweet mango, यानी कि ये मीठा आम है. Now we can understand these both sentences. Okay, what did you learn? Words make a sentence when we put them in proper order. आपने इससे क्या सीखा? हमने इससे ये सीखा कि जब words को proper order में जमाया जाता है तो वो सेंटेंस मीन्स वाक्य बन जाता है. मंकी ए इज दिस गिव्स नो सेंस. मंकी ए इज दिस से कोई मतलब नहीं निकल रहा था. इट इज नॉट ए सेंटेंस, तो ये सेंटेंस नहीं था. व्हेन वी पुट दीज वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर वी गेट दिस इज ए मंकी. जब हमने उनको अच्छे से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया तो हमको मिला दिस इज ए मंकी, यानी कि यह मंकी बंदर है. इट मेक्स सेंस, इसका मतलब समझ में आया. इट इज ए सेंटेंस, तो ये सेंटेंस बन गया. नाउ इट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. ए मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस. ओके, वी अगेन रिपीट इट. ए मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंसेस, यानी कि जिन वर्ड्स के ग्रुप का कुछ अर्थ निकलता है वो सेंटेंस कहलाता है. वर्ड्स टू रिमेम्बर. अब कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें. फर्स्ट, ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर दिस इज ए मंकी, तो दिस का टी कैपिटल आया है. एंड नेक्स्ट, इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क. या तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है. नाउ एग्जांपल, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि सेंटेंस के रीऑर्डर करके बनाए हुए हैं. राइट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंस. यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए नहीं है, जब हम उनको अरेंज करते हैं तो उनसे सेंटेंस बनता है. ए कैट इज दिस, इट इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. एंड हियर दिस इज ए कैट, इट इज इन प्रॉपर ऑर्डर, सो इट इज ए सेंटेंस. नेक्स्ट, इज माय स्कूल दिस, द प्रॉपर सेंटेंस इज दिस इज माय स्कूल. माय शी मदर इज, प्रॉपर सेंटेंस इज शी इज माई मदर. एंड नेक्स्ट इज इट बुक ए, प्रॉपर सेंटेंस इज इट इज ए बुक. अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो प्रॉपर ऑर्डर में बने हुए सेंटेंस है इनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इनके लास्ट में समय फुल स्टॉप लगा हुआ है.